हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं माँ काली की पूजा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा है मंदिर रूम, और हमने ना जितना भी भोग वगैरह बनाया था वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा माँ काली को लगा दिया है भोग। तो आप यहाँ देख सकते हैं फूल वगैरह भी रखा गया है, और यहाँ पर है खिचड़ी, नवग्रह का भोग, फिर लड्डू प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा। तो चलिए अभी आपको हम अपना घर भी दिखाते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ मैंने ना फेरी लाइट से घर को सजाया है, और एक छोटू सा रंगोली भी बनाया है। और अभी आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर पटाखे वगैरह जला रहे हैं। तो बेटू छोटी है तो वो बस फूलझड़ी ही जलाती है, और उसका भैया वो बाकी सब पटाखे जलाता है। तो लोग देख देख के इंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं 9 बज रहे हैं, तो अभी तक मैं रेडी नहीं हुई हूँ। तो अभी हम लोग का जो पूजा का फल वगैरह सब काटना वगैरह सब कुछ हो चुका है, और अभी बस हम लोग रेडी होकर जाएंगे और उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। तो आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो चलिए, जितना हो सका मैंने आपसे शेयर किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, और बच्चे लोगों को खाना वगैरह भी खिला दिए हैं क्योंकि 9 बज गया है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी क्रीम एंड रेड कलर की साड़ी पहनी है। मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैंने वेयर किया है क्रीम एंड रेड कलर की गौरव की साड़ी, जो कि बंगाली बहुत ही फेमस साड़ी है। तो मैं कैसी लग रही हूँ, और मैंने एक बनाया है जूड़ा। तो हम अभी मंदिर आ चुके हैं, और अभी आप देख सकते हैं चाचा जी और पापा जी भी बैठ चुके हैं, पूजा की स्टार्ट होने ही वाली है। और यहाँ पर देख लीजिए 108 दिए लगाए गए हैं, और दीदी उसमें तेल वगैरह डाल रही हैं। आज के दिन हम लोग 108 दिए जलाते हैं। ये है भांग, चलिए इसका हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो मैं इसे पीस लेती हूँ, और इसे ना 108 बार ही पीसा जाता है। लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन गया है। और अभी आप देख सकते हैं दीदी भी वही भांग पीस रही है। तो जो भी उपवास करते हैं उन लोग इसको पीसते हैं, 108 बार पीसना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं पूजा स्टार्ट हो चुका है, और माँ काली को माला पहनाया गया है जो कि गेंदा और डेजी फ्लावर का है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बस अभी हम लोग पूजा चालू कर रहे हैं, धूप दीप वगैरह सब कुछ जलाया जा रहा है। देख सकते हैं सब लोग पीछे बैठ भी गए हैं। अभी आपको जो हाथ में दिखाई दे रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं धुनुची, तो वो भी जला लिया गया है। और बस हमारी आज की पूजा स्टार्ट हो गई है। देख लीजिए पापा जी और चाचा जी पूजा कर रहे हैं, और हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो बस अभी पूजा चल रही है, काफी रात हो चुका है। ये जो पूजा है ना मध्य रात्रि में ही होता है। तो हम लोग हर साल ही अपने घर में बहुत ही धूमधाम के साथ ये पूजा मनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, मेरी जेठानी, मम्मी, और इधर है भैया जी, बेटू, ये हैं और एक दीदी, भैया, हमारी बड़ी मम्मी, पूरे परिवार वाले ही हैं। और पापा जी और चाचा जी कर रहे हैं पूजा। तो अभी पूजा के बाद ही होने वाला है हवन। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बनाया गया है हवन कुंड। तो ये घर के अंदर ही हो रहा है, इसलिए ईंट रखा गया है, उसके ऊपर रेत वगैरह डाल के रंगोली बनाया गया है। और अभी ये जो 108 दिए रखे गए थे ना, तो जो लोग उपवास करते हैं उनको जलाना रहता है, तो बारी बारी से सभी ने जलाया है, मतलब 4-5 कुछ कुछ दिया जलाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ दीदी और मैं भी जला रहे हैं। तो ये ना जिन लोग उपास रहते हैं उन्हीं लोग करते हैं।
अब देख सकते हैं आप हस्बैंड जी भी जला रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पिक क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये यादें ही रह जाती है। तो अभी भी पूजा कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम है, तो हम लोग थोड़ा सा पिक वगैरह ले रहे थे। तो अभी आप देख सकते हैं ये रही मम्मी जी और मेरी सासू मॉम। आप सभी को मेरे तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उन दीदी से मिलाऊंगी और उनका चैनल का नाम है प्रवासी बंगालीर पाकशाला। उनके चैनल में आपको सारे ट्रेडिशनल बंगाली डिश वगैरह का रेसिपी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दीदी से मिलाती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सबको। दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और अभी जो मैं सिस्टर के साथ खड़ी हूँ, सिस्टर की जो चैनल है दीप रतन चैनल, आप लोग प्लीज सब लोग मेरी बहन को सपोर्ट कीजिए और साथ में मुझे भी सपोर्ट करना। मेरे चैनल का नाम है प्रवासी बंगाली पाकशाला। खासकर मेरे चैनल में बंगाली डिशेस रहती है, उसके साथ इंडियन डिश भी रहती है। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय एवरीवन। और अभी बज रहे हैं रात के 1। अभी तो हमारा पूजा लगभग हो चुका है और अभी थोड़ी देर बाद होम होने वाला है। तो मम्मी जी का अभी भी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी जी अभी मंदिर रूम से बाहर जाएंगी क्योंकि धुएं के वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस अभी मम्मी जी मंदिर से बाहर जा कर के बैठेंगी और फिर हम लोग होम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो अभी लकड़ियाँ रख दिया गया है, यहाँ पर 5 टाइप की लकड़ियाँ रखी गई है। और अभी हम लोग घी से जो हवन कुंड है उसमें अग्नि जलाने वाले हैं और हवन चालू होगा। तो जब भी होम किया जाता है ना, तो सर पर कपड़ा रखा जाता है। तो देख लीजिए सब लोगों ने सर ढक लिया है और अभी होम करने वाले हैं हम लोग। तो अभी हमारे फैमिली में एक बड़ी दीदी है, वो इस बार नहीं आ सकी, तो भैया उनको वीडियो कॉल के से दिखा रहे हैं। वो वहाँ से ही होम देख रही है और माँ काली की पूजा का दर्शन कर रही हैं। अभी हवन ख़त्म हो चुका है, तो उसमें दूध और दही और गंगा जल डाल करके हवन कुंड को शांत किया जा रहा है, वो ठंडा किया जा रहा है। तो अभी लास्ट में अंजलि दिया गया और अंजलि के बाद सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आज का हमारा पूजा समापन हो चुका है और अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ बना रहे हैं भांग का प्रसाद,
जो कि हम मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसके लिए पके हुए केले को गुड़ के साथ मैश किया जाता है, जो कि भैया कर रहे हैं और मैं और दीदी नारियल पीस रहे हैं। फिर इससे बनाएंगे टेस्टी टेस्टी भांग। और ये साइड में जो कटोरी है उसमें भांग रखा हुआ है। तो अब इसमें गया दूध, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम मिल्क शेक टाइप का लगता है। तो आज ना हम लोग व्रत खोलने के लिए सबसे पहले ये भांग का थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। इसमें नशा वगैरह नहीं होता, बस हल्का सा दिया गया है, प्रसाद के रूप में लेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर के हॉल रूम में और देख लीजिए भैया प्रसाद दे रहे हैं और दीदी भाई सबको प्रसाद बांट रही हैं। और यहाँ साइड में ना हम लोगों ने बाकी जो प्रसाद वगैरह है उस सब का भी थाली सजा लिया है, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है और हम लोग अभी प्रसाद ही लेंगे रात को। और इसके साथ भी खिचड़ी मिक्स वेज वो सब भी है, तो ये लेने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। बस अभी हम लोग सबको प्रसाद देने के बाद अभी लास्ट में हम लोग भी प्रसाद लेने बैठे हैं। तो देख लीजिए ये खिचड़ी है। तो प्रसाद लेने के बाद जो भी सामान वगैरह था उसे हम लोगों ने समेट लिया है और अभी हम लोग आ चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं 1:40। तो हमारा पूजा वगैरह खत्म हो गया है, बस हम लोग अभी सोने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन। बाय बाय।